अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सीएसएस पीएमएस टाइम्स ऑनलाइन कोचिंग। आज हमारा करंट अफेयर्स का 2023 का 4th टॉपिक है, डिस्कस द कोर काजेज ऑफ रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन विच हैज़ कंसिडरेबल सोशियो इकनॉमिक, पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द वर्ल्ड। ये जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जिसमें कोर कॉजेस कहा गया है कि डिस्कस करें रशियन इन्वेजन इन यूक्रेन विच जो कंसिडर किया जाता है सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और स्ट्रेटजिक कॉन्सिक्वेंसेस वर्ल्ड पर क्या हुए। ये उनकी कंसिडर किया जाता है कि ये वर्ल्ड को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए हैं ये कह रहे हैं डिस्कस करें। और इसके अलावा एक्सप्लेन इट्स डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान एंड इट्स सेवियर लेसन्स फॉर द कंट्री सर्वाइवल। तो पाकिस्तान पर इसकी क्या इम्पैक्ट पड़े, डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट और लेसन्स क्या हैं कंट्रीज़ के सर्वाइवल के लिए इस इन्वेजन के बाद। सो कम टू द सोल्यूशन। द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन वॉज ड्राइवन बाय ए कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके, जैसे सोशो इकनॉमिक, पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिकल जो कंसिडर किए जाते हैं। जो रूट कॉज है इसकी वो है सोवियत यूनियन, क्योंकि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद ही यूक्रेन बना था और ईस्टर्न यूरोप और कॉकेसस रीजन बना था। इसके बाद सबसे पहली कोज जो है रशियन इन्वेजन इन यूक्रेन की वो है मूव टूवर्ड्स क्लोजर टाइट्स। यूक्रेन जो है वो वेस्ट के साथ बना रहा था और इट्स एस्पायरेशन टू ज्वाइन यूरोपियन यूनियन और नेटो को ज्वाइन करने वाला था यूक्रेन। और रशिया की ये थी कि नेटो को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि सोवियत यूनियन भी ख़त्म हो गई थी। तो जैसे सोवियत यूनियन ख़त्म हो गई तो यूरोपियन यूनियन ख़त्म हो गई तो नेटो को भी ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि वो उन कंट्रीज़ की डिफेंस के लिए बनी थी। जब वो ही ख़त्म हो गई तो उसकी फोर्सेस क्यों हैं। तो धीरे धीरे वेस्ट की तरफ से नेटो के मेंबर्स बढ़ते जा रहे थे, तभी रशियन इन्वेजन का ये सबसे पहला रीज़न ये भी है। डायरेक्ट चैलेंज, दिस इज़ सीन एज अ डायरेक्ट चैलेंज टू रशिया स्फीयर। ये रशिया के लिए डायरेक्ट चैलेंज था। तो इसने अपनी उसकी जो पोजीशन थी वेस्ट में तो वो हर्ट हो रही थी, उसको थ्रेट हो रहा था। ये भी इसकी एक रीज़न है। रशियन गवर्नमेंट आल्सो फियर्ड दैट स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न स्टाइल स्प्रेड हो जाएगा उनके साइड पे। और कैपिटलिज्म इन यूक्रेन का कैपिटलिज्म जो यूक्रेन में चल रहा था वो वुड अंडरमाइन इट्स ऑन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। और another key cause of the conflict was unequal distribution of economic and political power within Ukraine. यूक्रेन की economic और political power की unequalness। और इसके बाद the countries western region were more economic advanced। जो western region था वो बहुत ज़्यादा advanced होता जा रहा था, political liberal होता जा रहा था, while the eastern region वर मोर इकोनॉमिकली डिप्राइव। वेस्ट ऊपर से ऊपर जा रहा था और ईस्ट का साइड नीचे से नीचे तक हो रहा था। एंड पॉलिटिकल कंजर्वेटिव भी हो गए थे वेस्ट ईस्ट के साइड। दिस डिवीज़न वाज एक्सप्लॉइटेड बाय रशिया which sought to destabilize Ukraine and prevent its integration with the West। इन चीज़ों की वजह से यूक्रेन जो वेस्ट की तरफ जाता जा रहा था और ऊपर चढ़ता जा रहा था और रशिया जो था ईस्ट के साइड पे वो लो होता जा रहा था। द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन वाज डेवास्टिंग। वो डेवास्टिंग कैसे उसकी कॉन्सिक्वेंसेस हैं अब ये डिस्कस करते हैं। फॉर द कंट्री इंक्लूडिंग द लॉस ऑफ क्राइमिया का लॉस हो रहा था। क्राइमिया जो थी वो रशियन की साइड थी और वो पार्ट जो था वो यूक्रेन का था। तो क्राइमिया के लोग रशिया के साथ मिलना चाहते थे और यूक्रेन इस थ्रेट की वजह से नेटो के साथ भी मिल गया था। एंड पार्ट्स ऑफ द ईस्टर्न रीजन के पार्ट्स भी रशिया के साथ मिलना चाहते थे। एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। थाउजेंड्स ऑफ पीपल रशिया के साथ थे, तो उन्होंने रशिया के साथ मिलना चाहा। द कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो हैड सेवियर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द वर्ल्ड। बहुत कैसे कॉन्सिक्वेंसेस थे अब ये डिस्कस करते हैं। इंक्लूड द एरोजन ऑफ ट्रस्ट बिटवीन रशिया एंड द वेस्ट और रशिया के दरमियान जो ट्रस्ट बिल्डिंग हुई थी वो आहिस्ते आहिस्ते डिस्टेबलाइजेशन हो रही थी उसकी जिसकी वजह से जो एंटायर रीजन था वो आहिस्ते आहिस्ते डिस्टेबलाइज हो रहा था। अब पाकिस्तान के लिए क्या सेवियर लेसन्स हैं और पाकिस्तान द कॉन्फ्लिक्ट सेवियर as severe lessons in the importance of maintaining strong and stable relationships with its neighbor। पाकिस्तान के लिए ये एक लेसन है कि वो अपना नेबर रशिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस करें ताकि वो भी जैसे रशिया और यूक्रेन का हो वैसे पाकिस्तान और इंडिया का ना हो और वो अपने आप को स्टेबल कर सकें। The need to avoid becoming embroiled in conflict that do not directly concern them। डायरेक्ट इससे पाकिस्तान को ये सबक मिलता है वो डायरेक्टली कंसर्न ना करे, क्योंकि डायरेक्ट करने के बाद जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट ऊपर होता है वो ख़त्म नहीं हो पाता। जिस तरह से रशिया और यूक्रेन सफ़र कर रहे हैं तो पाकिस्तान और इंडिया भी ऐसे ही सफ़र कर सकते हैं। इसमें ख़ास तौर पर पाकिस्तान ज़्यादा सफ़र कर सकता है। द कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोमोटिंग इकनॉमिक डेवलपमेंट। तो इस कॉन्फ्लिक्ट है वो हाईलाइट करता है प्रोमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रोमोट करता है एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान को करनी चाहिए तो ये उसकी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में काम आएगा। ये एक रिस्क है एंड टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द कंट्री। इन कंक्लूजन एट द लास्ट The Russian invasion of Ukraine was driven by a complex mix of socio-economic, political and strategic considerations। इसके थ्रू socio-economic at the end इसको conclude करते हैं। होल क्वेश्चन में ये था कि रशियन इन्वेजन जो है वो कॉम्प्लेक्स मिक्स है जिसमें सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल और स्ट्रेटजिकल कंसनट्रेशंस होती हैं। इसके बाद द कॉन्फ्लिक्ट है डिवास्टेटिंग, कैसे डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस फॉर यूक्रेन होंगे एंड द वर्ल्ड एंड सर्व्स एज अ सेवियर लेसन। बहुत ज़्यादा लेसन है पाकिस्तान के लिए इसमें। और ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स को हमेशा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि जिससे कॉन्फ्लिक्ट से वॉर्स होते हैं और वॉर्स के सिर्फ डिस्ट्रैक्शन ही होती है, बाकी वॉर्स में किसी को कुछ नहीं मिलता। एंड प्रोमोटिंग स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी प्रोमोट करनी चाहिए। दैट्स ऑल। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। थैंक यू।